हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसका टाइटल है दुबई में राम मंदिर की पूरी वीडियो, दुबई पर अल्लाह का अजाब। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा क्यों हुआ है, दुबई में मंदिर बना है और बहुत ज़्यादा दुबई को नुकसान भी हुआ है, तो देखते हैं ये अल्लाह का अजाब कैसे आया है। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम इसके। दोस्तों, दुबई और अबू धाबी शदीद अजाब की लपेट में आ गए। दुबई में मंदिर बनने से कुछ दिन बाद अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी बेनियाज है, और जब इंसान अपनी हुदूद को क्रॉस करने लगे तो अल्लाह ताला उनके लिए कोई ना कोई वार्निंग ज़रूर देता है। अगर हमारे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ना होती तो ना जाने कितनी बार हम पर अजाब आ चुका होता। हाल ही में अरब अमारात में 3 बड़े हिंदू मंदिर बनाने का ऐलान किया गया, और ये काम भी सरकारी सरपरस्ती में हो रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद इसकी वाज़ह निशानी भी मुतहद्दा अरब अमारात में अजाब की शक्ल में नाजिल हो चुकी है। अल्लाह की जानिब से दुबई में अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ है जिसने वहाँ के तमाम निज़ाम को तहस नहस करके रख दिया है, और लोग बआवाज़ बुलंद कलमा तैयबा का विर्द करते हुए देखे जा सकते हैं। यह अजाब क्या है और किस तरह आया, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। गुजारिश है कि इसको एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, आजकल के अरब हुक्मरान यहूदो नसारा के साथ साथ हिंदुओं को भी खुश करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। इसकी बड़ी वजह जो बयान की जाती है वो है इकोनमी, रुपया, पैसा। इसके लिए इन अरबों को वो सब कुछ करना पड़ता है जो इस्लाम दुश्मन चाहते हैं। अलबत्त कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ साफ यहूदो नसारा और दीगर गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती करने से मुकम्मल तौर पर मना फरमा दिया है, और ये भी कहा है कि ये लोग कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इसके बावजूद कुरान करीम की शरी खिलाफ वर्जी अपनी पूरी शिद्दत के साथ जारी है। इससे पहले भी यूएई और अरब अमारात में 2 से 3 मंदिर बनाने की इजाज़त दी गई, जिसकी परमिशन खुद यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी। लेकिन अभी जो दुबई में अल्लाह का कहर बनकर अजाब नाजिल हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। अल्लाह ने इससे पहले भी मुसलमानों को खबरदार करने के लिए कई छोटे छोटे अजाब नाजिल किए हैं, लेकिन हम मुसलमान इनसे सबक सीखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों से अरब अमारात की 5 रियासतों में से 4 रियासतें इस वक्त शदीद अजाब इलाही की शिकार हैं, जहां पर बेहद तबाही हो चुकी है। गुज़िश्ता कई दिनों से मुतहद्दा अमारात की 5 रियासतों में शदीद तूफ़ानी बारिश के साथ साथ ओलों का भी तूफान नाजिल हो रहा है। ये ओले कोई आम ओले नहीं हैं, इन ओलों का साइज़ कोई गोल्फ बॉल के बराबर रिकॉर्ड किया गया है, यानी एक छोटे पत्थर जैसे। एक पत्थर आसमान से कितनी ताकत के साथ नीचे आकर किसी भी चीज़ का सत्यानाश कर सकता है, आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो तूफ़ान पिछले 4-5 रोज से जारी है, इसमें इतना दुबई में पानी आ चुका है कि पूरा दुबई इस वक्त पानी में डूब चुका है। पिछले 90 सालों में ऐसी बारिश कभी देखने को नहीं मिली। दोस्तों, जब भी हमने अल्लाह की कुदरत से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है तो हमें हमेशा इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म हब कहलाने वाला दुबई आज अल्लाह के अजाब के कहर के सामने कुछ भी नहीं है। बेशुमार दौलत और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद दुबई अपने शहर में आने वाले सैलाब को नहीं रोक पाया। अल्लाह के हुक्म से आने वाले इस तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि दुबई की सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई। सिर्फ पल भर में दुबई पानी के अंदर डूब गया। दुबई, जो दुनिया भर में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जाना जाता है, जमीन पर ऐसा सैलाब आता है जिसके बारे में किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और दोस्तों, आपको बताते हैं कि जितना पानी दुबई में एक दिन में बरस गया, उतना पानी तो दुबई में कई सालों तक नहीं बरस पाता। इस पानी से दुबई की सड़कें, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट सब डूब गए। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में हर चीज अल्लाह के तह निज़ाम से चलती है। अल्लाह ने इस दुनिया में हर चीज का एक निज़ाम बना रखा है, और हम इंसानों ने जब भी कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है तो हमें इसका खामियाजा हमेशा भुगतना पड़ा है। अल्लाह की कुदरत में दखल अंदाजी हमेशा हमारे लिए खतरनाक साबित होती आई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही इस दुनिया को तख्लीक फरमाया और वही इस दुनिया को चला रहा है। दोस्तों, आखिर दुबई के साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या किया था दुबई ने कि जो अल्लाह के इस कहर का सामना करना पड़ा। दोस्तों, दुबई एक ऐसा शहर है जहां अक्सर अपनी पानी की कमी को दूर करने के लिए दुबई अक्सर बादलों से जबरदस्ती बारिश करवाता रहता है और कुदरत के निज़ाम के साथ छेड़छाड़ करता रहता है, लेकिन दुबई की इस छेड़छाड़ का नतीजा एक अजाब की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। दुबई यूएई में बसा एक शहर है। यहाँ की सरजमीन रेगिस्तान से भरी हुई है।
यहाँ पानी की कोई नहर देखने को नहीं मिलती, लेकिन अचानक इस शहर में बारिश का एक ऐसा तूफान आता है जो हर चीज़ को डुबा देता है, जिसने पल भर में पूरे निज़ाम को तहस नहस कर दिया। पूरी दुनिया में इस वक्त कोहराम सा मच गया है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो परवरदिगार बड़ा ताकतवर है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। ये उसकी कुदरत का एक छोटा सा नमूना है लोगों को खबरदार करने के लिए। बाकी आप अपनी दोस्तों कीमती राय कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था रियली। और इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई है बहुत ही बेहतरीन बोला गया यार, कि ऊपर वाले के साथ आप खिलवाड़ करोगे, उनकी बनाई हुई चीज़ों को आप अपने हिसाब से मतलब कोशिश करोगे तो वो एक आपको अजाब के रूप में मिलेगा। और ये वार्निंग था यार, आप देख सकते हो कि यार दुबई इतना कुछ डेवलपमेंट है वहाँ पे, इतनी सारी चीज़ें, फिर भी आप बोलते हैं ना यार कि आप कितने भी पावरफुल कंट्री हो, लेकिन जब ऊपर वाली की लाठी जब पड़ती है ना तो आपको कोई बचाने वाला नहीं रहता है। सो गाइस, ये था वीडियो, आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।